तो हेलो भाई जान, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं मुंबई। यहाँ से मम्मी सब पता नहीं क्या क्या बांध के देने वाली है, सब तैयारी कर रही है, सामान क्या क्या देगी मुझे भी नहीं पता। और बहुत बेकार लग रहा है यार गांव से जाते हैं जब मुंबई के लिए, क्योंकि जैसे ही मुंबई जाने की या होता है जिस दिन, उस दिन सब काम वाम का टेंशन दिमाग में आता है कि मुंबई जाते ही बिजी हो जाते हैं ऑफिस के कामों में, बहुत वर्क होता है। यहाँ पर एकदम माइंड फ्री था, बहुत मज़ा आया घूमने में। ब्लॉग मैंने बहुत कम बनाए क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था यार, घूमने में इतना है, मतलब इतना मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर रहा था कि ज़्यादा नहीं बना पाए। जो बनाए वो आप लोगों ने देखा। तो चलिए अभी तैयारी करते हैं और शाम को निकलेंगे मुंबई के लिए। सुषमा नहीं जाएगी, मैं अकेला जाऊंगा। बहुत कुछ करना था यार, टाइम ही नहीं मिला, मन नहीं भर पाया मेरा गाँव से। मम्मी वहाँ चावल बना रही है, देगी शायद वो। सुषमा खाने की तैयारी कर रही है मेरे लिए। देखो यहाँ पे ना गोईठा को ऐसे सरियाते हैं ताकि ये बारिश हो तो नहाने से, दिलीप इस पर बाद में ऊंचा डाल के एकदम ढंक देंगे ना, पूरा से तिरपाल से ढंक देंगे पूरा वगैरह से तिरपाल से, ताकि बारिश में सेफ रहे। और ये आगे हमारी पणिया पड़वा है ना, इससे मालिश करवाते हैं डेली, आज भी करवाते हैं, आज लास्ट मालिश करवा लेते हैं। देखो ऐसे मस्त करती, जीभ से मज़ा आ जाता है। इला वाह वाह वाह, या उसको उसकी माँ उधर बैठी है देख रही है। ये लो, ये नहीं, वो नहीं, ये यार वो नहीं है। अरे यार ये गलत बात है, खाओ, खाना भी नहीं, इसका ख़त्म हो गया। अब वो नहीं है यार, वो नहीं है, वो नहीं है, कुछ नहीं है। ये भगवान इसको ये दिख, नहीं 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 है, सब खाने की चीज़ दिखती है क्या, कुछ भी लेगा वो है ही नहीं, क्या खाओगे। गुस्सा हो रही, देखो इसकी माँ इधर बैठ के रखवाली करती है, कुछ गड़बड़ करूँगा तो उठ के मारेगी धाम से। तो मैंने अपना बैग पैक कर लिया हूँ, इतना ही सामान है, मेरे कपड़े वपड़े सब इसमें आ गए जितने लाए थे, खाना वाना भी इसी में रख लूँगा। अब मम्मी क्या देती है पता नहीं। ओ भाई देखिए यार, आज मुंबई जाना है और बारिश होने वाली है, बादल ही बादल सुबह से। मेरा फ़ोन चार्ज भी नहीं है, यहाँ पर लाइट भी नहीं है अभी यार, और सब कुछ फ़ोन में ही मेरा, मतलब टिकट विकट सब, टाइमिंग वाइमिंग सब फ़ोन से ही चेक करना है यार, कैसे करें। लाइट थोड़ा भी आ जाए तो मैं चार्ज कर लूँ यार। बाकी तैयारी हो चुकी पूरी हमारे लिए, पूरी उड़ी भी बना दिया मम्मी ने, सुषमा ने, मम्मी ने, और नमकीन वमकीन बनाया, बहुत कुछ बना दिया है, तो खाते हुए अच्छे से निकल जाएंगे। दुनिया से बेफिक्र होकर ज़िंदगी जी रहा था, गाँव की मज़ा आ रहा था, लेकिन अब काम का टेंशन आ गया कि जाते ये काम करना है, वो काम करना है। तो देखो हम आज हमें जाना है, अभी जाने का समय होने वाला है मेरा, अभी कभी भी निकलूंगा मुंबई के लिए। पापा बीपी डाली। हाँ यार पीपी उधर दिख रही है, उधर वो सरसों निकाल रहे हैं गाड़ी मशीन से, तो मैं सोचा इसको खेत में थोड़ा घुमा देता हूँ यार, फिर एक दो महीने के बाद ही मिलेगी दिव्यांशी मुझे। चलो बेटा उतरो, भिंडी खिलाता हूँ। ये देखो भिंडी, हमारे खेत की भिंडी। कौन सा भिंडी खाओगी, बहुत सारा भिंडी है। ये लो भिंडी दिव्यांशी, ये लो भिंडी, कैसा लग रहा है, अच्छा खाओ। बहुत सारे भिंडी हमारे खेत में, देखो इतनी सारी भिंडी है। हमारे पीछे पीछे पड़ोसी का लड़का भी आ रहा, आप भी भिंडी खाओगे बेटा। और चना खिलाता हूँ बैठ के, मस्त चना खाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग खेत पे आके बैठ के मस्त यहाँ चना खा रहे हैं खेतों में तोड़ के। हमारे पास में चना है, लो बेटा यहाँ तोड़ के खाओ, आप भी खाओ। जो छीलो छीलो, पहले छील दो, ये रख दो यहाँ पे, ऐसे ऐसे रख दो, कैसा लग रहा है। तो हम लोग आते रहते हैं, नमक वमक लेके खाते रहते हैं यहाँ बैठ के। उसमें नहीं है, आएगा ना पापा बीबी। बादल इतनी नहीं, बारिश कैसा लगता है, बारिश आएगी। मैं भी खाता हूँ बाबू है। कैसा लग रहा है आपको खाने में, अच्छा लग रहा है। ये हमारे पड़ोस का लड़का, नाम क्या आपका। हमारा नाम दीपक है। पहले हरा रहा था, अभी थोड़ा पक गया है ना, फिर अच्छा लग रहा है खाने में। तो हमने मन भर के खा लिया, हमारा मन भर गया, अब हम जा रहे हैं यहाँ से। अभी दोबारा इन चना ऐसा नहीं मिलेगा, जब आएंगे ना तो चना रहेगा नहीं अब, क्योंकि पापा दूधी। मैं बेटा ले रहा हूँ गोदी, मेरी ही गोदी आती है, वो गोदी ले रहा तो ले जा नहीं रही है। आपको और खाना है क्या अभी। देखो हमें जाना है मम्मी के पास, मम्मी वहाँ पे है। इया रुक जाओ, जगह बनाने दो, रास्ता नहीं है पापा। मम्मी मम्मी की जंग हम लोग जाएंगे। इया
आ गए दादी को। हाँ मैं सुबह में टूट जाए टीरी टीरी। अब हम जा रहे हैं घर पे, चलो अभी चलते हैं, अब चलते हैं कपड़ा वपड़ा पहन के जाने की तैयारी मुंबई के लिए। ये चने की सब्जी बनने जा रही है शायद। चलो अपना ध्यान रखना, घर पे खुश रहो, पढ़ाई करो अच्छे से, आगे बढ़ो, पैसे कमाओ, मेरे को तुम भी खुश रहो, मोबाइल कम देखना, पढ़ाई करना। देखिए स्टेशन पे आके हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं, हमारी ट्रेन आएगी 10 से 15 मिनट के अंदर, और यहाँ देखिए अंधेरा है भाई, ट्रेन तो अभी आई है। तो जनरल है और आसमान है, बारह बज के 7 मिनट अभी पहुँचे हैं मिर्ज़ापुर, टाइमिंग इसका था 10 बजे का, पहुँची 12 बज के 7 मिनट, अभी मुझे सुबह तक 5 बजे तक वेट करना है यहीं पे, मेरी दूसरी ट्रेन आएगी 5 o'clock, तब तक मुझे ऐसे बैठ के टाइम पास करना पड़ेगा। भाई टाइम हो गया 5:40, मैं ऐसे ही सोया रहा पूरी रात, वेटिंग रूम है, नींद तो नहीं आई लेकिन बीच बीच में नींद आ रही थी, खुल जा रही थी। तो अजीब अजीब टाइप के लोग आ रहे थे यार, झाँक झाँक कर खड़े खड़े देख रहे थे, लग रहा था चोर टाइप के, कंटिन्यू बैठे 2-3 आदमी लड़के थे, कंटिन्यू बैठे थे वहाँ पर, कंटिन्यू देख रहे थे मैं यहाँ, इसलिए मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, एक आदमी बार बार आगे खोल खोल के देखते जा रहा है। तो अपनी ट्रेन तो सामने आ गई, चलिए अभी ट्रेन में चढ़ते हैं। पता नहीं टाइम कितना हो गया है, रात भर जगह इतना नींद लग रही, नींद लग रही है ना, नींद नहीं खुल रही है, वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि फैमिली साथ में नहीं है, बच्चे नहीं है, सुसमा नहीं है, बहुत बेकार लग रहा है। पता नहीं कौन सा स्टेशन है, जबलपुर, जबलपुर स्टेशन है। मस्त ठंडा पानी यार लेके आ गया, गाड़ी चलने वाली है, भाग के आया हूँ।